नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एक्स वाई जेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है और विश्व के जो 500 सबसे बड़े बैंक हैं उनमें इसका 236वां नंबर है और इंडिया में 23% ऑफ मार्केट शेयर इन एसेट्स में इसका शेयर है। तो जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा शेयर है और अगर फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी क्राइसिस आता है तो ये जाहिर है कि आरबीआई हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो तो सबसे पहले एसबीआई को बचाएगी, क्योंकि भारतीयों का सबसे भरोसेमंद बैंक जो भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें एसबीआई का नाम सबसे ऊपर आता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसका मार्च क्वार्टर फाइनली इसके जो रेवेन्यू था 23.92% उसमें ग्रोथ थी, नेट इनकम में 38.71% इसमें ग्रोथ थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ थी, ऑपरेटिंग इनकम में भी ग्रोथ थी। तो देख सकते हैं कि बैंक इतना बुरा नहीं है, लेकिन आज की जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा इसका एसबीआई का क्या, जो भी मोस्टली बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है जैसे एनबीएफसी से रिलेटेड है, चाहे बजाज फाइनेंस हो गया या इंडसइंड बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, तो सभी का यही हाल है। इस बैंक में इसको दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका भी इसका ऐसा ही हाल है, सभी बैंकों का ऐसा ही हाल है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि अब इसका आप ये देखिए कि इसका सबसे ज़्यादा हाई कितना है, 52 वीक हाई, ये गए 373 रुपीज़ पर और आज हमें ये कितने में मिल रहा है, जो पिछला क्लोजिंग हुआ था 150.85 रुपीज़ पे। तो इससे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 223 रुपये नीचे गिर चुका है शेयर प्राइस से, जो इसका हाईएस्ट था। तो अगर आप लोगों ने इसको 373 रुपये पे ख़रीदा है तो आप 150 रुपीज़ पे आप इसको क्यों नहीं खरीद सकते, और आप ये अपनी ऑलमोस्ट इंटरेस्ट जो वैल्यू है उसी पे मिल रहा है। तो आप इसको अभी, मेरा मानना है आप इसको सिप के थ्रू इसको ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी भी स्टडी कीजिए, अपनी भी रिसर्च कीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि जब इस पे क्वार्टर वन के जो रिज़ल्ट आएंगे, हो सकता है ये इसमें वो नीचे चला जाए, हो सकता है 100 रुपये के आसपास भी मिल जाए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये 100 रुपये भी आता है तब भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और आज जब भी सिचुएशन में फ्यूचर ठीक होगी, फ्यूचर में इंक्रीज होगी, तो कस्टमर कहाँ जाएंगे खाता खुलाने, बैंक में ही जाएंगे। तो सबसे पहले वो किस में जाएंगे, सरकारी बैंक होगा, एसबीआई बैंक है तो उसी में जाएंगे। तो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ पूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप अगले अपने 5 या 6 साल के लिए सोच रहे हैं, तो आज आप इसको 150 रुपये में या आगे कम आता उस पे लेंगे तो इजीली आप अपने अमाउंट को डबल कर सकते हैं। अगर आप इसमें आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करते तो कोई इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप इसमें 350 रुपये पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 373 रुपीज़ पर इसको परचेज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो इसको 150 रुपीज़ में परचेज़ करने में क्या घाटा है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई घाटा है। अगर आपने 373 रुपीज़ पर इसके परचेज़ किया तो घाटा है, तो 150 रुपीज़ में परचेज़ करने में इसमें कोई घाटा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं फाइनेंशियल बैंकन में इन्वेस्टमेंट करने की, एक्चुअली मेरे को भी फाइनेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आजकल जो फाइनेंशियल की हालत है और जो वैल्यू है, अगर आप कंपेयर करेंगे अमेरिका के बाजार से, वहाँ पे 20-25% जो है फाइनेंशियल बैंक की जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है उनकी उसमें गिरावट आई है, और भारत में ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 50% 70%। तो मेरे को आजकल ये बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाकी आपकी सोच है, आपकी वो है, अगर आप चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, अपना खुद का ओपिनियन है, मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं इसमें अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी ले रहा हूँ, अगर फिर गिरेगा तो थोड़ा सा फिर सिप के जरिए इसको लूँगा, अगर और गिरेगा तो थोड़ा और लूँगा, और कम से कम अगले 5-6 साल के लिए इसको अपने
पोर्टफोलियो में रखूँगा। और मैं श्योर हूँ कि आज से 5-6 साल के बाद ये अपने 350-400 रुपये जो भी इसका रेट था ये उस पर ज़रूर पहुँचेगा। आप करंट की नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म की सोचना है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप भूल जाइए इसको, तो आप इस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आगे की सोच रहे हैं, तो फिर आप इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेते आता ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ।